हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। आज अपन जो बात करने वाले हैं चट्टानों के अपक्षय में दूसरे वाला जो पार्ट है रासायनिक जो अपक्षय होता है उसकी बातें करेंगे। रासायनिक जो अपक्षय उसकी बातें करने वाले हैं। पिछले वाले क्लास में अपन ने पढ़ा था कि रासायनिक अपक्षय के अलावा जो पहला था भौतिक अपक्षय था, उसमें कौन कौन से कारक है जो भौतिक रूप से चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं, अपक्षय का कारण करते हैं। आज अपन जो बात करने वाले हैं उनकी बात करेंगे, रासायनिक अपक्षय कैसे होते हैं, केमिकली जो होती हैं चट्टानें कैसे टूटती हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनके द्वारा चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो रासायनिक अपक्षय के अंदर जो अपने पास में पहला जो पदार्थ जो अभिक्रिया होती है वो कहलाती है कौन सी, जल अपघटन। क्या होता है, जल अपघटन। जल अपघटन के द्वारा चट्टानें कैसे टूटती हैं, हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है उसके अपन बात करने वाले हैं। जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब क्या होता है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। इसको कैसे लिख सकते हैं, HOH। ये तो धनात्मक आयन होता है और ये क्या होता है, इसमें ऋणात्मक आयन होता है। ओके, तो एक धनात्मक आयन है और एक कैसा है, ऋणात्मक आयन है। जल अपघटन का मतलब क्या होता है, जल अपघटन जो अपने पास में है वो किस टाइप से होता है, जैसे एल्यूमिनियम है या कुछ ऐसे सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकेट जैसे पोटेशियम सिलिकेट है, ये आपके पास में है एक सिलिकेट है। इस वाले में अपन देखे थे सिलिकेट जो अपने पास में एल्यूमिनियम सिलिकेट है, ये एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है ये वाला जल अपघटन किया जाता है। जल अपघटन का मतलब क्या होता है, जल से अभिक्रिया कराई जाती है, जल होता है H2O यानी H और OH से अभिक्रिया कराते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, जल अपघटन के फलस्वरूप जो चट्टानें होती हैं वो एक रूप से दूसरे रूप के अंदर टूट करके परिवर्तित हो जाती हैं, दूसरे पदार्थों के अंदर इनका परिवर्तन हो जाता है। जैसे अपन देखें जल अपघटन में ये आपके पास जो सिलिकेट था, ये जो सिलिकेट है ये सिलिकेट टूट करके मोस्टली जो अपने पास में ऑर्थो क्लेज क्या है अपने पास में ये कहलाता है, ऑर्थो क्लेज जो फेल्सपार अपन ने पढ़ा था, ऑर्थो क्लेज फेल्सपार, ये ऑर्थो क्लेज जो फेल्सपार है ये जल की उपस्थिति में टूटता है, ये H प्लस आयन बनाएगी और ये क्या बनाएगा, OH माइनस आयन। ये H प्लस आयन होता है इसमें देखे थे K प्लस, पोटेशियम आयन पॉजिटिव होता है, क्या ऐसा होता है K प्लस। इस H प्लस आयन के द्वारा धनात्मक आयनों को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन आकर के जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा H, ये बन जाएगा Al2SI3OH। तो ये अपने पास में हाइड्रोजन का सिलिकेट बन गया, हाइड्रोजन का ही एक फॉर्म बढ़ गया है। ये हाइड्रोजन का जो होता है अपने पास में HCl2SI2 3OH, ये वापस क्या करता है, जल से रासायनिक अभिक्रिया इसके अंदर होगी तो क्या करेगा, वापस से ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और आपके पास में ये अपने पास में एक एस्क बन जाएगा जिसको अपन कहेंगे बॉक्साइड, क्या कहेंगे इसको, बॉक्साइड का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार जो अपने पास में सिलिकेट है वो अलग टूट करके एक नए प्रकार का अपने पास में पदार्थ बन जाता है। ये अलग अलग पदार्थ है जल अपघटन के द्वारा क्या हो गया, चट्टानों के अंदर ये था ऑर्थो क्लेज फेल्सपार था, ये पानी की उपस्थिति में जल अपघटन हुआ, जब पानी की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जल के द्वारा अपघटन होना है क्या कहलाएगा, जल अपघटन कहलाएगा। अब ये टूट गया एक नया पदार्थ बन गया हाइड्रो, अपने पास में सिलिकेट बन गया, हाइड्रो सिलिकेट को वापस जल से रिएक्शन जब कराई गई तो वापस क्या बन गया, अपने पास एक नया पदार्थ बन गया जो बॉक्साइट वगैरह होता है। ये क्या कहलाता है, चट्टानों का यहाँ पर क्या हो गया, अपक्षय हो गया। पहले चट्टान थी किस टाइप की थी, इस प्रकार की थी और ये जल की उपस्थिति में जब टूट गई तो इसमें कन्वर्ट हो गई दूसरे वाले पदार्थ के अंदर या दूसरे खनिज के अंदर इसका कन्वर्जन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, जल अपघटन कहलाएगा। ओके, ऐसे अपन बात करें तो अपने पास में जो दूसरा कारक है, उस दूसरे कारक की अपन बात करें तो वो कहता है जल योजन, क्या कहलाता है, जल योजन। जल अपघटन से उल्टा है ये, योजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, किसका, जल का। जल अगर यहाँ पर जुड़ेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे पास में है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, क्या है ये, कैल्शियम सल्फेट। अगर मैं इसमें वाटर को जोड़ देता हूँ, पानी को जोड़ दो H2, ये CaSO4 कैल्शियम सल्फेट जो खनिज था वो जल से अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा, CaSO4.2H2O। ये वाला आपके पास में इसके दो मोल अपन ने काम दे दिए, ये अपने पास में बन गया जिप्सम, क्या बन गया ये, जिप्सम। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास में नया खनिज
रासायनिक संगठन के आधार पर ने पढ़ा था, जिप्सम जो होता है वो नया प्रकार के एक रासायनिक पदार्थ है, और ये अपन देखा था कैल्शियम जो है इसी के प्रकार का कैल्शियम है कि कार्बोनेट थे वैसे सल्फाइड वगैरह थे उनके अंदर एक नए पदार्थ में कन्वर्ट हो गया है। तो ये कहलाता है जलयोजन के द्वारा रासायनिक अपचय किस प्रकार से होता है, ये अपन ने यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो तीसरी विधि भी अपने पास में रासायनिक संगठन या रासायनिक अपचय के लिए अपन तीसरी विधि की अगर बात करें तो वो अपने पास में है विलयन। कौन सी विधि है? विलयन। विलयन का निर्माण कैसे होता है, सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन देखिए, कुछ धातुएं वगैरह होती हैं, धातुएं होती है वो ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम वगैरह हैं, इनको अगर अपन जल के अंदर डाल देते हैं तो क्या कर देती हैं, उसके अंदर घुल जाती हैं। अब जिनमें घुलने की प्रवृत्ति अगर पाई जाती है, जो धातुएं घुल चुकी हैं, अब घुलने के बाद क्या बना लेंगे, वो विलयन का निर्माण कर लेंगे। और विलयन के निर्माण में आने के बाद क्या होगा, जैसे विलयन के अंदर आती है ये तत्व अवस्था के अंदर है, जैसे विलयन के अंदर आएंगे नए पदार्थ का निर्माण कर लेंगे, जलीय विलयन इनका बन जाएगा। इससे क्या होगा, ये जलीय विलयन होगा वो टूट जाएंगे तभी तो बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, विलयन जो विलायक होते हैं दोनों मिल के बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, जब आपस में दोनों मिल गए तो विलयन जो पदार्थ है वो टूटेगा तभी तो अपने पास विलयन का निर्माण होगा। अगर अपन चीनी को पानी में डाल रहे हैं तो चीनी टूटेगी तभी तो अपने पास में एक समांगी मिश्रण बनेगा। अब ये समांगी मिश्रण तो विलयन होता है, इसका मतलब क्या होगा, छोटे छोटे भागों में टूटने वाली जो धातुएं होती है तो वो टूटते हैं। अपने पास में सोडियम है, विलयशील धातुएं पोटेशियम है, इसके अलावा मैग्नीशियम की बात करें, ये जो अपने पास में है ये क्या करती है, जल से अभिक्रिया कर लेती है, किससे, H2O जल से। और जल में क्या हो जाती है, विलयशील कैसे होती है, जल के अंदर ये विलयशील होकर के क्या कर लेती है, विलयन का निर्माण कर लेती है। विलयन का निर्माण हो गया तो क्या होगा, चट्टानों के अंदर जो भी इस प्रकार की धातुएं पाई जाएंगी, जैसे ही ये विलयन अवस्था के अंदर आती है, घुलनशील अवस्था में आती है, छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो विलयन बना करके क्या कर लेती है, चट्टानों का अपचय स्टार्ट कर देती है। ये अपने देखा है कि विलयन के द्वारा भी क्या जाता है, चट्टानों का अपचय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं इसके अलावा अपचय किस प्रकार से हो सकता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में अगर बात करें तो ऑक्सीकरण और अपचय अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, किसका, ऑक्सीजन का जुड़ना। देखो अपने पास में Fe2O3, इसकी मैंने अभिक्रिया कराई ऑक्सीजन के साथ, यानी वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ में अगर अभिक्रिया कराए तो क्या पड़ेगा, आपके पास में बन जाएगा Fe2O3 का O4 बन गया, Fe2O3 O4 हो गया। ये ऐसे अपन देखें इसकी जल से अभिक्रिया करा दें, इसका मतलब होगा Fe2O3 जो होता है ये वाला क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, क्या हो गया, इस वाले में इसका ऑक्सीकरण हो गया। फिर ऑक्सीजन का इसके अंदर क्या हो गया, जुड़ाव हो गया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, इसके अंदर क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा ये नए प्रकार के जो खनिज पदार्थ होते हैं उनमें इसका कन्वर्जन हो जाता है, इससे भी चट्टानों क्या हो जाता है, अपचय हो जाता है। इसका मतलब है चट्टानों का अपचय करने में ऑक्सीकरण का भी बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने पास में है इसी से ऑक्सीकरण से जुड़ा हुआ एक दूसरा टॉपिक है जो उसका विपरीत होता है, इसको अपन कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन, क्या कहते हैं उसको, अपचयन कहा जाता है। और अपचयन में अगर अपन बात करें तो किस प्रकार से अपचयन होता है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अपने पास में जो पांचवा पॉइंट है रासायनिक अपचय में वो है अपचयन की अभिक्रिया से। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना, O2 का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन, और हाइड्रोजन का जुड़ना, दोनों में से एक प्रक्रिया इसके अंदर होगी। अब कौन सी प्रक्रिया होगी, इसे अपन बात करें Fe2O3 है ये अपने पास में है, फिर इसका ऑक्साइड है, ये वाला जो है अगर ये टूट जाए तो क्या बनाएगा अपने पास में, Fe2O फेरस का ऑक्साइड प्लस H2O। इसका मतलब है वाटर के आधिक्य में, पानी के आधिक्य में कौन सी प्रक्रिया होगी, अपचयन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, अपचयन की। तो ये अपने पास में फेरिक ऑक्साइड क्या है, ये फेरिक जो ऑक्साइड था, ये फेरिक ऑक्साइड टूट जाता है, टूटने का मतलब नहीं है, ये हो गया यहाँ से इसका अपचयन हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया तो क्या बन गया आपके पास में, फेरस ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, फेरस का ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर देखा ऑक्सीजन परमाणु यहाँ से निकल चुका है, किस रूप में निकल रहा है, पानी के रूप में, जल के रूप में निकल रहा है। अगर इस वाली प्रक्रिया को अपन उल्टा कर दें
इस वाली प्रक्रिया को अपन उल्टा कर दे तो यहां से अगर इसको वापस कर दे तो क्या कहलाएगा ये ऑक्सीकरण, क्या कहलाएगा ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। जो अपन ने पहले वाली विधि पढ़ी थी उसी विधि का अपन ने उल्टा और सीधा दोनों प्रोसेस यहाँ पर देखा है। फेरिक ऑक्साइड जो होते हैं ये अगर टूट करके अपचयन के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप अपचयन के फलस्वरूप ऑक्सीजन परमाणु का निकलना अपचयन होता है, फलस्वरूप फेरस का ऑक्साइड बना लेते हैं और जल बना लेते हैं तो ये क्या कहलाएगा अपचयन कहलाएगा। इसका उल्टा कर दो क्या कहलाएंगे ऑक्सीकरण कहलाएगा। समझ गए बात है। ये अपने पास में एक विधि है रासायनिक अपचय जो होता है कितने प्रकार से अपन कर सकते हैं। जल अपघटन के द्वारा इसको किया जा सकता है, इसके अलावा ये जल योजन जल के अणुओं का जुड़ जाए उसके द्वारा भी चट्टानों का क्षरण हो जाता है, इसके अलावा विलयन अवस्था में कई खनिज पदार्थ विलयन अवस्था के अंदर अगर आ जाते हैं तो भी क्या करते हैं चट्टानों को तोड़ने का कार्य करते हैं, और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ऑक्सीकरण और जो अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा भी रासायनिक रूप से चट्टानों का अपचय किया जा सकता है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स अपन ने देखा दूसरा जो बड़ा प्रकार था ये चट्टानों का अपचय होता है वो तीन टाइप से था, भौतिक और दूसरे वाला कौन सा रासायनिक। भौतिक वाला अपन ने देखे कौन कौन से कारक ऐसे होते हैं जो प्रभावित करते हैं, और अपन ने अब देखा कौन सा रासायनिक अपचय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये अपन ने यहाँ पर देखा है। ओके, नेक्स्ट वाले अपन बात करेंगे तीसरा अपने पास में सबसे वाला कारक है कौन सा कारक होगा जैविक कारक या जैविक अपचय होता है वो किस प्रकार से होता है उसकी बातें अपने नेक्स्ट वाली क्लास में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।